Students, previously we have started prefixes and suffixes. So in previous video we have understood prefixes. Now let's learn suffixes. What do you mean by the suffixes? Suffixes means that are attached to the end of the words. Means आपको कोई भी word given होता है तो उसके end में जो आप letters join करते हैं, right? तो उसको, उन words को, उन letters को हम बोलते हैं suffixes. एंड आपको पता है सफिक्सेस से भी जैसे प्रीफिक्सेस में होता था, प्रीफिक्स हम ज्वाइन करते थे वर्ड के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, तो उससे एक जो न्यू वर्ड बन के आता था उससे भी मीनिंग चेंज हो जाता था वर्ड का, राइट? सो हेयर ऑल्सो इट इज़ सेम एज प्रीफिक्सेस, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो वर्ड्स ज्वाइन होंगे वो वर्ड के एंड में होंगे, राइट किड्स? सफिक्सेस आर अटैच्ड टू एंड ऑफ द वर्ड्स. When you add a suffix to a word, you can change the part of speech. Yes, you know part of speech. तो जैसे ही हम suffixes add करते हैं किसी भी word में, तो जो new word बन के आता है उससे क्या होता है, part of speech change हो जाता है. For example, you can see on your screen and in your books. For example, the word beauty is a noun. Beauty क्या है? Noun है, right? अब हम उसमें एक add कर देते हैं ful, full. So अगर हमने full add किया है, full क्या है? Suffix है. तो उसको हमने add किया तो new word क्या बना? Beautiful, which is an adjective. Beautiful means एक quality बताता है. तो वो क्या हो गया? Adjective. So part of speech change हो गया ना. पहले beauty था. Beauty क्या था? Noun. हमने उसमें से y हटा दिया, वहाँ पे ful add कर दिया word में. तो new word आया beautiful and that becomes an adjective. All right kids, so there are many types of suffixes and some of them are given below. Like kuch words hain usme hum agar ful full add karte hain as suffixes, so aapke new words bante hain aur usse kya hota hai, aapki part of speech change ho jati hai. See in the boxes, first table, care. Care ek noun hai, like aapka care, aur uske baad usme humne ful suffix add kar diya, kya hua? Careful. Then power. Power mein ful add kiya, that is suffix add किया, तो क्या हुआ? Powerful. Help. Help में आपने end में word है help, उसके end में आपने word add किया ful, तो join करने से क्या बन गया? New word. Suffix add किया तो helpful. Pain, उसमें आपने suffixes add किया ful, तो painful. ऐसे ही use में किया तो useful. Now some words of less. Suppose आपको ऐसे words given हैं, उसमें आपने बाद में end में, word के end में प्रीफिक्स ऐड किया लेस, तो उससे क्या न्यू वर्ड बना? देखो, केयर में आपने लेस सफिक्स यूज़ किया तो क्या आया? केयरलेस. पावर में आपने लेस एज ऐड किया एज अ सफिक्स तो पावरलेस. हेल्प में हेल्पलेस. पेन में पेनलेस. एंड यूज़ में यूजलेस. ऑलराइट किड्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सी द नेक्स्ट टेबल, लाइक जॉय, जॉयफुल, राइट? देखो, हमने जॉय था वर्ड, उसमें हमने ऐड किया एक सफिक्स फुल, तो जॉयफुल हो गया. हमने अगर जॉय में ऐड किया एंड में सफिक्स ऐड किया लेस, तो वो हो गया जॉयलेस. ऐसे ही चेयर, चेयर में अगर हमने ऐड किया फुल, राइट, सफिक्स, तो चेयरफुल. और अगर हमने लेस सफिक्स ऐड किया तो चेयरलेस. इट मींस सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड के एंड में लगते हैं, राइट किड्स? हमेशा याद रखना आप, प्रीफिक्सेस वो होते हैं, प्री, प्री मींस पहले. प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स जो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, बिगनिंग ऑफ द वर्ड में, राइट? और सफिक्सेस मीन्स सफिक्स जो बाद में लगते हैं, राइट, जो वर्ड के एंड में ज्वाइन होते हैं. ऑल राइट किड्स, सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो बाय एडिंग अप्रोप्रिएट सफिक्सेस टू द अंडरलाइन वर्ड्स. सी, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पैसेज गिवन है आपको, ये इसमें जो भी ब्लैंक्स गिवन है ना, उसमें आपको अपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स उसमें लिखने हैं विद बाय एडिंग अप्रोप्रिएट सफिक्सेस. जो भी वर्ड गिवन है, अंडरलाइंड है, उनमें आपको सफिक्स ऐड करके, जो भी अप्रोप्रिएट सफिक्स लगेगा वो ऐड करके आपको उसमें या तो कंप्लीट वर्ड लिखना है या फिर जैसे मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं. तो पढ़ते हैं क्या है इस पैसेज में. मिसेस भंडारी वॉज अ वेरी डैश बिकॉज शी वुड हैव टू अंडरगो अ डैश अ पेन डैश ऑपरेशन. मीन्स देखो, अब यहाँ पे पैसेज से समझ में आ रहा है कि कोई मिसेस भंडारी हैं, वो उन बहुत डरी हुई थी क्योंकि उनको एक बहुत पेनफुल ऑपरेशन से गुजरना था, मतलब उनका कोई ऑपरेशन होने वाला था, तो वो डरी हुई थी. तो
फियरलेस तो नहीं लिख सकते ना हम इसमें, तो फियर में हम क्या ऐड करेंगे, अप्रोप्रिएट सफिक्स यानी कि एफ यू एल करेंगे। अगर आपने लेस किया तो उसका मतलब वो डरी हुई नहीं थी, बट किसी को भी अगर ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में तो किसी को भी डर लगता है ना, तो ये फियरफुल डरा हुआ बहुत, तो इसलिए यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट सफिक्स ऐड किया फियर में लाइक एफ यू एल। ऑलराइट, तो ये हुआ फियरफुल। मिसेस भंडारी वॉज वेरी फियरफुल बिकॉज शी वुड हैव टू अंडरगो अ पेनफुल ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन होता है तो पेनफुल होता है ना, दर्द तो होता है, कोई भी ऑपरेशन होगा तो पेनलेस तो होगा नहीं, तो हमने यहाँ अप्रोप्रिएट सफिक्स कौन से ऐड किए, एफ यू एल, तो यहाँ पे पेनफुल आएगा, पेनफुल ऑपरेशन। शी फेल्ट वेरी हेल्प डैश बिकॉज हर चिल्ड्रेन वर अब्रॉड। वो बहुत हेल्पलेस थी, क्यों लिख सकते हैं हम यहाँ पे लेस और फुल क्यों नहीं, हेल्पफुल मीन्स कि दूसरों की हेल्प करती हैं, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि उनके बच्चे अब्रॉड थे यानी कि आउट ऑफ कंट्री थे, वो बहुत अकेली थी, उनके साथ कोई भी नहीं था, तो हेल्पलेस। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास कोई नहीं है और आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप एक सर्जरी से गुजरने वाले हो, बहुत पेन होता है, तो कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस, कि आपके पास कोई भी नहीं है आपकी हेल्प के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या अप्रोप्रिएट सफिक्स ऐड किया, लेस ना कि फुल। ऑलराइट, तो शी फेल्ट वेरी हेल्पलेस बिकॉज हर चिल्ड्रेन वर अब्रॉड, बट शी ट्राइड टू बी चेयरफुल वेन एवर शी टॉक्ड अबाउट इट टू हर नेबर्स। सी जब भी अब वो अपने लेकिन आगे लिखा है लेकिन, तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पे बट आया है, मींस अब वो कह रही है कि भले ही वो हेल्पलेस थी बट, क्योंकि उनके बच्चे बाहर थे, बट जब भी वो अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसियों से बात करती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था, तो अच्छे के लिए हम चेयरफुल बोल सकते हैं ना, चेयरलेस के इंस्टेंट। सो यहाँ पे हमने चेयर में क्या ऐड किया, सफिक्स एफ यू एल। सो बट शी ट्राइड टू बी चेयरफुल वेन एवर शी टॉक्ड अबाउट इट टू हर नेबर्स, देन हर नेबर्स वर वेरी थॉटफुल। उनके नेबर्स जो थे वो थॉटफुल थे बहुत, मतलब बहुत अच्छा सोचते थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, तो हमने यहाँ पे सफिक्स ऐड किया है एफ यू एल, फुल, थॉटफुल। दे वेंट टू द हॉस्पिटल एंड टॉक टू द डॉक्टर, ही अश्योर्ड देम दैट ही वुड डू हिज बेस्ट टू मेक द ऑपरेशन पेनलेस। तो जो नेबर्स थे वो बहुत थॉटफुल थे, बहुत सोच विचार करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके नेबर्स हॉस्पिटल गए और उन्होंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने उन्हें अश्योरिटी दी कि जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा कि ऑपरेशन पेनलेस हो, मतलब ऑपरेशन में पेन ना हो, तो हमने यहाँ सफिक्स क्या ऐड किया, लेस, पेनलेस। ऑलराइट किड्स, बट ही सेड ऑल हिज एफर्ट वुड बी यूजलेस इफ द पेशेंट वॉज केयरलेस अबाउट हर हेल्थ। पर डॉक्टर ने कहा कि मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सब बेकार हो जाएंगे अगर पेशेंट ने अपना ध्यान नहीं रखा। ध्यान नहीं रखने का मतलब क्या होता है, केयरलेस, तो मतलब डॉक्टर ने कहा मेरे सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे इफ़ द पेशेंट वॉज केयरलेस अबाउट हर हेल्थ, अगर पेशेंट अपने हेल्थ के लिए केयरलेस रहे तो। तो यहाँ पर भी क्या सफिक्स आया, अप्रोप्रिएट सफिक्स इज लेस। ऑल राइट, therefore Mrs. Bhandari's neighbor gave her useful tips on how to be healthy। फिर इसीलिए Mrs. Bhandari को उनके neighbor ने उनको अच्छी अच्छी useful, जो उनके काम आ सके ऐसी useful tips दी अपनी health का ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पर appropriate suffix क्या use हुआ, F-U-L, so it is useful। therefore words have had a powerful effect on her, their words had a powerful effect on her, means जो neighbors थे उन्होंने बहुत positive thoughts उनको बोले होंगे, उनको positive रखा होगा, उनको healthy tips दी होंगी, तो वो उनके words उनके लिए बहुत effective रहे, powerful रहे। so यहाँ पर suffix क्या add हुआ, F-U-L, powerful। She felt joyful at seeing how worthful her neighbors were। उनको बहुत joyful, बहुत अच्छा feel हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके neighbors कितने अच्छे हैं, कितने काम के हैं, कितना उनका ध्यान रखा। So proper suffix, appropriate suffix क्या use हुआ है यहाँ पे, F-U-L, so the new word comes joyful and worthful। Alright kids, so practice this and if you have any query then you can post it in the comment section below and also you can ask in